कैपिटल्स ने आरसीबी को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 25 रन से हरा दिया। आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। दिल्ली ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 194 रन बनाए थे। जवाब में आरसीबी 20 ओवर में 9 विकेट पर 169 रन ही बना सकी। दिल्ली की ओर से शेफाली वर्मा ने 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं मारी जैन कैप ने दोहरा प्रदर्शन किया। उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 16 बॉल में 32 रन बनाए और गेंदबाजी में 2 विकेट लिए, जिसमें मंधाना का विकेट भी शामिल था। टीम ने आखिरी के 5 ओवरों में 70 रन बनाए और मैच अपने नाम कर लिया। दूसरी तरफ आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना की 74 रन की अर्धशतकीय पारी काम नहीं आई। हालांकि ये WPL इतिहास में उनकी पहली हाफ सेंचुरी थी। वो कुल 130 रन बनाकर विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन की टॉप स्कोरर बन गई हैं। उन्हें ऑरेंज कैप मिली। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स पहले नंबर पर आ गई है, वहीं आरसीबी दूसरे और MI तीसरे नंबर पर है। दोनों के 4-4 अंक है। 3 मैचों के बाद यूपी वॉरियर्स 2 पॉइंट्स के साथ चौथे और गुजरात जायंट्स 2 मैच के बाद 0 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर।